जन्माष्टमी का, तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप जाके देखें, वो भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आपको। और आज हम क्या क्या करते हैं वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। और ये मेरा मंदिर है दोस्तों, तो इसको अभी डेकोरेट करेंगे हम लोग और थोड़ा सा बहुत सजाएंगे, और अपने कान्हा जी को अभी स्नान कराएंगे। तो आप रेडी है मेरे साथ चलने के लिए आज मेरे दिनचर्या देखने के लिए? तो आ जाओ। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं बाजार, तो मैंने सोचा कि आपको पहले बाजार के दर्शन करा दिए जाएं, क्योंकि मैंने जो सामान परचेज किया है तो वो तो दिखाना ज़रूरी था ना। तो जैसे कि आपको पता है मैं हर साल यहीं से सामान खरीदती हूँ, तो यहाँ पर जैसे मैं आई तो यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे इन्होंने बहुत ही सुंदर कान्हा जी जो है सजा रखे हैं, उनका झूला लगा रखा था इन्होंने, और ये काफ़ी बड़े थे, तकरीबन 1 से 1.5 फीट के कान्हा जी हैं और बहुत ही सुंदर लग रहे थे। वीडियो में इतना कैप्चर हो भी नहीं पाया जितने ये रियल में सुंदर लग रहे थे। तो मतलब ये बता रहे थे कि 1 महीना इनको लग गया ये कान्हा जी तैयार करने में, इनका झूला तैयार करने में, इनको सजाने में 1 महीने के अंदर ये झूला तैयार हुआ है। और ये काफ़ी ही सुंदर झूला है, बहुत सुंदर झूला है, बहुत अच्छे लग रहे थे कान्हा जी। तो यहाँ पर आपको कान्हा जी का सारा सामान मिल जाएगा, देखिए कितने सुंदर सुंदर झूले हैं यहाँ पर, और हर रेंज में अवेलेबल है। आपको देखते ही मन हो जाएगा कि आप ये भी ले लें, वो भी ले लें। तो दोस्तों काफ़ी सुंदर और अच्छा यहाँ पे सामान मिलता है, तो आप जाके एक बार ज़रूर विज़िट करिए। ये है उत्तम नगर ईस्ट के अंदर जूसवाला चौक, और जो कार्ड है इनका एड्रेस है वो मैं आपको दिखा दूँगी या डिस्क्रिप्शन में इनका एड्रेस डाल दूँगी। तो ये देखिए ना कितने सुंदर सुंदर इन्होंने सिंहासन झूले लगाए हुए हैं, फूल बंगले वगैरह भी सब चीज़ होती है इनके पास। आपको कहीं भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है, किशन जी का सामान आपको एक ही शॉप से सारा मिल जाएगा जो भी आपको चाहिए। और साथ में ये राखी के टाइम पे राखियाँ भी बहुत सुंदर सुंदर लगाते हैं दोस्तों। ये कोई पेड वीडियो नहीं है, मैं इन्होंने मेरे को पैसे नहीं दिए कि मैं इनकी वीडियो बनाऊं, लेकिन मुझे इनकी जो दुकान का सामान है वो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ये सोचती हूँ कि आपके साथ भी शेयर किया जाए, आप लोगों को भी इसका फ़ायदा मिले। तो आप ज़रूर विज़िट करिएगा एक बार जाके, ताकि इनका भी भला हो जाए और आपको भी सामान अच्छा मिल जाए। तो दोस्तों इनके पास ना 3 दुकानें हैं अभी, इन्होंने फ़िलहाल 2 दुकान के अंदर खाली कान्हा जी का सामान भरा हुआ है, और 1 शॉप के अंदर श्रृंगार का सारा सामान आपको मिल जाएगा एक ही शॉप पे। तो जो कान्हा जी हैं ये देखिए, यहाँ पे 2 झूले इन्होंने बनाए हुए हैं, एक में फ़ोटो वाले कान्हा जी लगाए हुए हैं, एक में रियल कान्हा जी लगाए हुए हैं, और काफ़ी सुंदर लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि झांकी देख रहे हो हम। और यहाँ पे देखिए सिंहासन भी हर मतलब छोटे बड़े हर तरीके के मिल जाएंगे, और ड्रेस भी मिल रही थी यहाँ पे कान्हा जी की बच्चों के लिए और राधा की। तो और ना इनके पास में देखिए, ये देखिए छोटे बड़े हर तरीके के यहाँ पे मिल रहे हैं सिंहासन आपको। और यहाँ पे कान्हा जी या फिर आपको कोई भी मूर्ति लेनी है तो वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगी। और इन जो कान्हा जी का जितना भी पहनने का सामान होता है, ये देखिए ड्रेसें देखिए पहले आप, छोटी बड़ी जैसे भी, और महंगी सस्ती जैसे भी रेंज की आपको चाहिए यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे देखिए मैंने जैसे कि कहा कि आपको भगवानों की मूर्तियाँ भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, और यहाँ पर छोटे बड़े हर नंबर के भगवान की मूर्ति मिल जाएगी। भगवान ने के जितने भी पहनने के सामान हैं सारे अवेलेबल हैं इनके पास, तो आप ज़रूर विज़िट करिएगा। और ये देखिए यहाँ पे हर नंबर के कान्हा जी भी हैं और उनकी मुरली वगैरह। तो चलिए अब घर चलते हैं, और बाज़ार जो है ना खचाखच भरे हुए थे कान्हा जी के ड्रेसेस से, और सब जगह कान्हा जी का ही सामान मिल रहा था आज तो। और ये देखिए यहाँ पे मैंने अपना मंदिर साफ़ कर लिया है, और यहाँ पर नहला धुला के अपने सारे भगवानों को मैं कपड़े वगैरह पहना रही हूँ। तो बस यहाँ पे ये तैयारी हो चुकी है, अब अपने कान्हा जी को भी पंचामृत से स्नान कराएंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था दूध, दही, गंगा जल, शहद, शक्कर इसलिए यूज़ करते हैं ताकि इनका स्क्रबिंग हो जाए, थोड़ी सी स्क्रब करने के लिए शक्कर यूज़ करते हैं, और तुलसी दल, और ये सारी चीज़ों से ना मैंने अपने कान्हा जी को स्नान करा दिया था, तो ये पंचामृत बन गया था। तो बस स्नान कराने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने इनको पोंछ लिया है अच्छे से टॉवल में, और इनको बिठा दिया है अभी, और बस अब इनको कपड़े पहनाएंगे। तो जो मैं ड्रेस लेके आई हूँ वो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए कितनी सुंदर और प्यारी ड्रेस मैं लेके आई हूँ। और 2 ड्रेस मैं लेके आई थी शाम के लिए और सुबह के लिए, और ये मुकुट लेके आई हूँ, 150 रुपये का दिया था इन्होंने मुकुट, और देखिए मैंने एड्रेस भी आपको दिखाई दिया है। और
और ये देखिए बांसुरी 35 रुपीज़ की शायद बांसुरी थी और 35 की ये माला थी, मतलब 35 की रेंज में ही था ये सब सामान। और बाकी जैसा सामान आप लेंगे तो घटता बढ़ता रहेगा, पर ये जो है ना बड़े सुंदर लग रहे थे सारी चीज़ें, देखिए कितनी चमक भी मार रही, कितनी सुंदर लग रही हैं, बहुत सुंदर लग रही थी सारी चीज़ें, तो इतना तो इतने का तो सामान आ ही जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको एड्रेस वगैरह सब दिखाई दिया है, बाकी मेरी जो लास्ट वीडियो है पिछले साल की उसमें भी आप जाके देख सकते हैं एड्रेस का, मतलब उनका पता कर सकते हैं एड्रेस का। और ये देखिए अब यहाँ पे मैं आरती कर रही हूँ, भूख लगा रही हूँ सुबह के टाइम में अपने कान्हा जी की। तो यहाँ पे मैंने ना ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख दिए थे अपने कान्हा जी के लिए और माखन मिश्री रख दी थी और साथ में रख दिया था जल, तुलसी जल के साथ। तो ऐसे मैंने अपना मंदिर सजाया है, देखिए कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो बस सब पूजा वगैरह करने के बाद ना हम लोग जो है पंजीरी वगैरह बनाने चले गए थे। पंजीरी की वीडियो मैंने इस साल आपके साथ नहीं शेयर की है दोस्तों, क्योंकि मैंने पिछले साल डाली हुई है पंजीरी की वीडियो, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आपको, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने दो तरीके की तो पंजीरी बनाई थी और साथ में बनाई थी मैंने धनी की पंजीरी एक। और बस अब जन्म कराने के लिए दोस्तों ये नाल वाला हिस्सा जो होता है ना ये रख देंगे अपने कृष्ण जी के साथ और फूलों से इनको ढक देंगे और रात को 12 बजे जन्म कराएंगे। तकरीबन 7-8 बजे मैंने इनको फूलों के अंदर ढक दिया था, तो आप 7-8 बजे के करीब इनको फूलों से ढक दें और फिर उसके बाद 12 बजे इनका जन्म कराएं। तो उसके बाद फिर हमने खाना वगैरह बनाया, पूड़ी कचौड़ी जो भी आपके घर में बनता हो वो आप बना सकते हैं, जो मेरे घर में बनता है वो मैंने बनाया। आप चाहें तो छप्पन भोग का जो है भोग भी लगा सकते हैं, जैसे आपकी जेब अलाउ करती हो वैसे आप कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए 12 बज चुके हैं और अब करा देते हैं हम कृष्ण भगवान का जन्म। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो यहाँ पे देखिए नाल काट रही हूँ, तो ये सिक्के से काटते हैं और इसी तरीके से जन्म होता है दोस्तों। आप चाहे तो बड़ी सी चीज़ रख के कुछ खरबूजा तरबूजा या कुछ भी कद्दू रख के भी उसके अंदर रख के कान्हा जी रख के जन्म करा सकते हैं, या खीरे में अपने छोटे से कान्हा जी ला के उसमें रख के जन्म करा सकते हैं। और अब यहाँ पे मैं 55 से स्नान करा रही हूँ अपने कान्हा जी को, रात के बज रहे 12:15 और स्नान करा के अब इनको वस्त्र पहनाएंगे सुंदर से। तो पोछ लिया मैंने इनको, वस्त्र पहना देते हैं सुंदर से और वस्त्र वगैरह पहना के इनको करते हैं फिर से सिंहासन पे स्थापित और उसके बाद इनकी आरती करेंगे और आरती करके फिर भोग लगाएंगे। तो बस यहाँ पे देखिए कितना सुंदर लग रहे हैं मेरे कान्हा पैदा होने के बाद, काफ़ी अच्छा ग्लो आ जाता है इनके, रात के टाइम तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो बस यहाँ पे अब हमारे यहाँ जल देते तो मैं जल दे के आई हूँ, और कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइए।